पहली बार मिला है, मैं आपके साथ जुड़ने आई हूँ धनबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में। मंच में आसीन है सिटी एसपी मैडम, आपका स्वागत है मैडम। हमारे इस मंच में आए हैं झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से मिस्टर चक्रवर्ती सर, आपको मेरा नमस्कार। वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम ओवर हियर। प्रेसिडेंट धनबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, आपका नमस्कार सर, और नमस्कार टू द सेक्रेटरी। मेरी नमस्कार आप सभी ऑफिशियल्स को भी है, कोचेस को भी है, टेक्निकल पर्सनल्स और जितने खिलाड़ी हैं सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, और साथ में मीडिया पर्सन्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ ऑल द पब्लिक गैदरिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। सो स्पोर्ट्स में चार बातें होती है, चार तरह के लोग होते हैं जो इस तरह के मंच में बैठते हैं और एक साथ एसोसिएटेड होते हैं। पहला दूसरा कुछ नहीं है, बट आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो मैं बोलना चाहूंगी कि इस तरह के एसोसिएशन होते हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, एसोसिएशन की बॉडी होती है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वॉट एवर एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये जो होते हैं इनका एक काम होता है कि आपके लिए मीट ऑर्गेनाइज करें, स्पॉन्सर्स खोजें, अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड यू। दूसरी स्तंभ होती है आपके टेक्निकल ऑफिशियल्स का, टेक्निकल ऑफिशियल्स हु आर कंडक्टिंग द इवेंट्स। तीसरे होते हैं कोचेज एंड सेलेक्टर्स जो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देते हैं, दे आर हैविंग देयर बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। और जैसा कि अभी आपके प्रेजेंस आपने एग्जाम्पल दिया कि रोनाल्डो को भी बैठा सकने वाला जब कोच होना चाहिए, तो जैसा मुझे पता लगा वी आर हैविंग ग्रेट कोचेज ओवर हियर, टेक्निकल ऑफिशियल्स आल्सो ओवर हियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पैकेज का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आर द प्लेयर्स। प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजर्स अपना काम कर रहे हैं, कोचेज अपना काम कर रहे हैं, रेफरीज अपना काम कर रहे हैं, एथलीट्स को, खिलाड़ियों को बस एक ही काम करना है कि दे गो थ्रू देयर प्रैक्टिस एंड परफॉर्म देयर बेस्ट। एवरीबडी नोज दिस इज आर ओनली लाइफ वी आर हैविंग, एंड दिस लाइफ इज द ओनली अपॉर्चुनिटी वी आर हैविंग टू परफॉर्म, वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर टेकिंग, ओनली लाइफ वी आर हैविंग टू गिव आर बेस्ट। तो खिलाड़ियों, मेरा आपसे आशा है कि आपके परफॉर्मेंस पे हम चमकेंगे, आपके एसोसिएशन लाइट पे आएगा, आपके एसोसिएशन को पूरी इंडिया जानेगी और वहां से निकल के आप नेशनल इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा जोरदार तालियां। खिलाड़ियों, आपके ऊपर नजरें हैं, आपसे आशाएं मिला, मैं बहुत सौभाग्य महसूस कर रही हूँ ये बताते हुए कि दैट ग्राउंड वाज डेवलप्ड बाय मी एंड माय ग्रुप ऑफ पीपल। सो अगेन, धनबाद में जो बहुत बड़ी समस्या है खेल के दुनिया में, वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर्स। गो टू रांची, गो टू जमशेदपुर, वॉट एवर सिटीज, अभी छोटे छोटे शहर में भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। सो वी डोंट हैव, वी आर वेरी पुअर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। वी हैव लॉट ऑफ लोकेशंस, बहुत सारे स्टेडियम के नाम पे नॉमिनेटेड है ये स्टेडियम, वो स्टेडियम, खुला स्पेस है, बट जैसा अप्रोप्रिएट लोकेशन होना चाहिए, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अप टू द मार्क। सो मेरे ख्याल से हमारे कमिटी मेंबर्स, वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स हैविंग अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस फील्ड। एंड वंस अगेन थैंक्स टू एवरीबडी, नमस्कार।